सब सीट में से सबसे अच्छा सीट कौन सा है देखने के लिए कुछ मैथ्स है क्या है ना भाई पर बताने से अच्छा चल मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूं चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था 23 अक्टूबर 2022 को क्या डेट को जाना पहचाना लग रहा है जी हाँ आपने सही पहचाना उस दिन इंडिया पाकिस्तान का टी वर्ल्ड कप में आमना सामना हुआ था मेरे कॉलेज के कुछ करीबी दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस रोमांचकारी मैच का लुत्फ उठाया जाए ऑस्ट्रेलिया जाना तो संभव नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मैच को बड़े पर्दे पे देखा जाए तो फिर क्या था हमने आइनॉक्स थिएटर जो कि एम रोड पर है वहाँ की टिकट्स बुक कर ली जी हाँ आइनॉक्स थिएटर ने क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा माहौल देने के लिए टी का वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण किया था इंडिया पाकिस्तान आज राइवल्स के इस रोंगटे खड़े करने वाले मुकाबले को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी थी टिकट पे सीट नंबर होने के बावजूद भी फैंस इधर उधर बैठ रहे थे और सीट नंबर की कोई परवाह ही नहीं कर रहा था हमारे पास वक्त कम था हमें बेस्ट मैच एक्सपीरियंस के लिए सही सीट का चुनाव जल्द से जल्द करना था गलत सीट से ना केवल मैच का मजा किरकिरा हो जाता बल्कि हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते फिर क्या था मेरे मैथमेटिकल दिमाग ने कुछ कैलकुलेशन किया और मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हमें थर्ड रो के सेंट्रल सीट्स पे बैठना चाहिए मैच आखिरकार स्टार्ट हुआ और यकीन मानिए चाहे वो कोहली के छक्के हो या अर्शदीप के स्विंगिंग यॉर्कर्स सब कुछ का परफेक्ट व्यू मिल रहा था लास्ट बॉल तक चल रहे इस मैच का आखिरकार नेल बाइटिंग फिनिश हुआ जहां इंडिया ने इस मैच को चार विकेट से जीत लिया जीत की खुशी मनाते समय एक दोस्त ने मुझसे पूछा अखिल भाई तुमने ऐसा क्या कैलकुलेशन किया था सीट निर्धारित करने के लिए जिसने मैच देखने के एक्सपीरियंस में चार चांद लगा दिए क्या आप भी जाना चाहेंगे तो लीजिए झेलिए इसके पीछे की छुपी मैथमेटिक्स तो बताऊं तो इसके पीछे की कैलकुलेशन मैंने एक रात पहले ही कर ली थी क्योंकि मैं प्रायः आइनॉक्स में ही अपने फैमिली के साथ मूवी देखने जाता हूँ मुझे आइनॉक्स थिएटर के डायमेंशन का अनुमान हो चुका था जैसे मुझे ये मालूम थी कि पहली सीट स्क्रीन से कितनी दूरी पे है स्क्रीन की अप्रोक्सीमेटली ऊंचाई ज़मीन से कितनी है स्क्रीन की हाइट कितनी है सीट्स की हाइट कितनी है थिएटर की सीट्स कितने पे है इत्यादि इत्यादि तो बस मैंने ये सब डेटा ध्यान में रखकर एक रफ डायग्राम बनाया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं डायग्राम में जो एंगल दिख रहे हैं हम उसे व्यूविंग एंगल कहते हैं बेस्ट व्यूविंग एक्सपीरियंस के लिए यह व्यूविंग एंगल मैक्सिमम होना चाहिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके स्क्रीन जितनी पास होगी यह व्यूविंग एंगल उतना ही बढ़ेगा पर दोस्तों ऐसा नहीं है आइए देखते हैं जियो जिब्रा में यह व्यूइंग एंगल सीटिंग पोजीशन के हिसाब से कैसे बदलता है दोस्तों आइए आइनॉक्स थिएटर के डायमेंशन को जियो जिब्रा पे दर्शा देता हूँ यहाँ पर मैं 10 फीट इक्वल टू वन यूनिट का स्केल अज्यूम करूँगा चलिए पहले स्क्रीन दिखा देता हूँ आइनॉक्स का स्क्रीन लगभग दस फीट ऊपर है ग्राउंड लेवल से तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड को एक्स एक्सिस माना हुआ है तो उसका जो लोअर एंड होगा वो होगा जीरो पॉइंट ए से दिखा देता हूँ आइनक्स के स्क्रीन की लंबाई चौबीस फीट है तो उसका अपर एंड हो जाएगा जीरो चलिए जीरो दिखा देता हूँ जिसको आप पॉइंट बी की तरह देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे सीट्स को मैं एक लाइन पे दिखाऊंगा जिसकी स्लोप होगी टेन ट्वेंटी डिग्री और इस लाइन की इक्वेशन में लिखूंगा y माइनस पॉइंट फोर इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाय नाइन टाइम्स एक्स माइनस वन ठीक है अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने वाई इक्वल टू टैन पाई बाय नाइन जो कि ट्वेंटी डिग्री होता है एक्स माइनस वन क्यों नहीं लिखा मैंने पॉइंट फोर क्यों इंक्लूड कर दिया इसके इक्वेशन में दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारे आई का लेवल होता है वो मैं सीट से फोर फीट ऊपर मान रहा हूं जिसके वजह से मुझे पॉइंट फोर का जो टर्म है यहां पे इंक्लूड करना पड़ रहा है अब आइए मैं एक रैंडम पॉइंट चूज करता हूं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर चलिए वो पॉइंट मैंने मान लिया है यहां पे पॉइंट सी हालांकि इसको मैं रीनेम कर देता हूं लेट्स कॉल इट एज पॉइंट पी सो पी इज द द आई लेवल ऑफ पर्सन हु इज सीटेड इन वन ऑफ द सीट्स इन द सिनेमा थिएटर अब मैं आपको यहाँ पे विविंग एंगल भी दिखा देता हूं जो कि बेसिकली एक एंगल है विच इज कनेक्टिंग ए टू पी एंड बी टू पी ओके तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे एक विविंग एंगल दिखा दिया है अब आइए मैं इस एंगल को जरा कैलकुलेट भी कर लेता हूं उसके लिए भी हमारे पास टूल है यू जीवरा में तो एंगल टूल का कर इस्तेमाल करते हुए मैं इन दोनों लाइन के बीच का एंगल यहां पे दिखा देता हूं तो आपको दिख के आ रहा होगा यहाँ पे जो एंगल इन्होंने दिखाया है वो है ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट नाइन डिग्रीज अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस पॉइंट को मैं मूव करूंगा लाइन पे और जैसे ही मैं मूव करूंगा आप देख पाओगे कि वो एंगल बदलेगा और ये एंगल कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पोजिशन पर इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वही हमारा बेस्ट सिटिंग स्पॉट होगा। चलिए देखिए इसको मैं वैरी कर रहा हूं आप देख पा रहे हो एंगल 34 के आसपास पहुंचा 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46 और उसके बाद ये एंगल फिर से गिरना चालू हो गया है और देखिए गिरता जा रहा है और इतना ही नहीं दोस्तों अगर मैं इसको पीछे भी लेके जाऊंगा तो आप देख पाओगे कि फोर्टी पॉइंट समथिंग के बाद ये एंगल फिर से गिरना चालू हो गया है इसका मतलब दोस्तों आप जितना भी पास बैठोगे स्क्रीन के या जितनी दूर बैठोगे स्क्रीन से आपका व्यूविंग एंगल उतना कम होता जाएगा तो अगर हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है अगर हमें व्यूविंग एंगल मैक्सिमम करनी है तो एक पर्टिकुलर स्पॉट यहाँ पे बीच में आएगा जो कि कुछ 46.7 डिग्री के आसपास बैठ रहा था उससे बड़ा व्यूविंग एंगल शायद ही आपको इस पर्टिकुलर फिगर में दिखेगा देखिए फिफ्टी 46.7 46.75 के बाद आप देख पा रहे हो ये गिरना चालू हो रहा है जी हाँ तो दोस्तों यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपका जो विविंग एंगल है वो एक पर्टिकुलर सिटिंग स्पॉट के आसपास मैक्सिमम होगा अगर आप दूर जाते जाओगे स्क्रीन से या तो आप पास आते जाओगे स्क्रीन से तो वो एंगल वैल्यू गिरती जाएगी उस एंगल की वैल्यू गिरती जाएगी nice

जिसको मैं थ्योरम ऑफ स्टेशनरी पॉइंट यूज करके या यू कह लें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों यहां सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा थीटा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए एन बी अगर आप देख पा रहे हो एन बी ऑन द डायग्राम इज बेसिकली शोइंग द डिस्टेंस ऑफ द आई ऑफ द व्यूअर फ्राम द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड फ्राम द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रेस्पेक्टिवली तो दोस्तों यहाँ पे बहुत आराम से हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें मालूम है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वाइनस ट्वेंटी फोर स्क्वाई टू ए बी दोस्तों ये कोसाइन रूल है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने इसको बिल्कुल ही पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ थीटा है वो होगा ए अब दोस्तों यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना है एक्स को क्योंकि हम आखिरकार लिखना चाह रहे हैं थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स सो थीटा को हम एक्स का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ सिंपल सा यहाँ पे ज्योमेट्री आपको दिखाने वाला हूं आइए यहां पे सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं इस लेंथ को जो कि है हमारा हॉरिजोटल डिस्टेंस ऑफ द आई फ्रॉम द सर्फिस ऑन विच द स्क्रीन ऑफ द आइनॉक्स थिएटर इज हैंगिंग तो ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारा z है तो दोस्तों ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री के आसपास अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए यहां पे बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री है यहां पे ये जो लेंथ होगा हमारा जो आप देख पा रहे हो गए येल्लो लाइन से दैट लेंथ इज x साइन बीटा जी हाँ उसकी लेंथ होगी एक्स साइन बीटा क्योंकि यहां पे आप सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो और ये है चार फीट उसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो लेंथ है दोस्तों ये होगा एक्स साइन बीटा प्लस फोर जी हाँ अब दोस्तों अब ये लेंथ आइए मैं उसको व्हाइट कलर से दिखा देता हूं ये जो हमारा लेंथ होगा दोस्तों वो होगा थर्टी फोर थर्टी फोर माइनस थर्टी फोर माइनस एक्स साइन बीटा प्लस फोर जिया आइए इसको नाम दे देते हैं कुछ इसको क्या कह, कहते हैं कैपिटल एम इसको कहते हैं कैपिटल एन और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पी तो हमारा जो लेंथ एम एन होगा वो होगा थर्टी फोर माइनस एक्स साइन बीटा प्लस फोर जिया दिस विल बिकम थर्टी माइनस एक्स साइन बीटा करेक्ट तो दोस्तों ये तो हुआ एम की लेंथ आइए मैं आपको साथ ही साथ पी की भी लेंथ दिखा देता हूं पी की लेंथ पी की लेंथ होगी टेन जो कि आपका ऑरिजिन से लेट से इस पॉइंट को हम कहते हैं आर, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू प्लस आर क्यू जी हाँ तो ओ आर हो जाएगा टेन और आर क्यू हो जाएगा एक्स कॉस बीटा जी हाँ इसी ट्राइंगल इसी ट्राइंगल जिसमें हम लोगों ने x साइन बीटा दिखाया हुआ है इसका क्यू लेंथ हो जाएगा एक्स कॉस बीटा ओके तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ऑन ट्राइंगल एम एन पी तो इसमें कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर और पी एन स्क्वायर ऐसा कह सकते हो आप एम एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्र दोस्तों एम एन स्क्वायर क्या होगा एम एन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है थर्टी माइनस एक्स साइन बीटा स्क्वायर और स्क्न है हमारा टेन प्लस एक्स कॉस बीटा स्क्वायर जी हाँ दोस्तों अब साथ ही साथ बी स्क्वायर की भी वैल्यू हम इसी ट्राइंगल और इसी तरीके से निकालेंगे लेट अस कॉल द फुट ऑफ द स्क्रीन टू बी एफ तो अगर आप ट्राइंगल देखोगे एफ एन पी अगर आप ट्राइंगल देखोगे एफ एन पी तो यू कैन ऑल्सो अपलाई पाइथोगल तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस ऑन एफ एन पी में आपने देखा होगा कि हमारा एफ पी हाइपोटन्यूस है पी एन हमारा बेस है और एफ एन हमारा हाइट होगा ट्राइंगल का तो बी स्क्र इज इक्वल टू एफ एन स्क्र प्लस पी एन स्क्वायर जी हाँ और एफ एन एफ एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों एफ एन की वैल्यू होगी टेन माइनस एक्स साइन बीटा प्लस फोर तो एफ एन की वैल्यू मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं फॉर रेफरेंस एफ एन विल बी टेन माइनस एक्स एक्स साइन बीटा प्लस फोर जो कि हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स साइन बीटा तो आइए देर किस बात की अब लगाते हैं थ्योरम पाइथागोरस so, लगाने पे आपको मिलेगा है आपका 10 plus X cos beta the whole square. दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है तो आइए पुट करते हैं इस पहले वाले इक्वेशन में दोस्तों जहां पे हम लोगों ने कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वाइनस

x sin beta the whole square plus 10 plus x cos beta the whole square और b square की जो वैल्यू है साथ ही साथ मैं यहां लिख देता हूं 6 minus x sin beta the whole square plus 10 plus x cos beta the whole square और दोस्तों a और b की जो वैल्यू होगी वो इसका अंडर रूट होगा तो वो दर्शाने की मुझे नहीं लगता यहां पे जरूरत होगी पर दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होगे कि हमें हमें बेसिकली ए स्क्वायर और बी स्क्र की वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद हमें डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना है टू फाइंड दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ थीटा विविंग एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए वो हमें डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके ही मिलने वाला है दोस्तों ये मैनुअली करने से काफी टाइम लग जाएगा तो इसे इस कैलकुलेशन को भी मैं जियो जीव जीवरा में आपको करके दिखाता हूं तो दोस्तों डी थीटा बाई डी निकालने के लिए हम आ चुके हैं जियो जीव जीव्रा पे अब यहां पे मैं ए स्क्र को दिखाऊंगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जिसको मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स और बी स्क्वायर को दिखाऊंगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली बट उसको मैं नाम दूंगा जिये तो आइए जल्दी जल्दी एफ ऑफ एक्स और जिये यहां पे लिख लेते हैं कॉस बीटा को हम लोग लिख देते हैं कॉस ऑफ फाइव बाई नाइन

उसको हम एक और फंक्शन मान लेते हैं थीटा लिखना सही नहीं रहेगा जियो पे तो मैं उसको एज एच ऑफ़ एक्स मान लेता हूं हालांकि वो थीटा है थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स आर्क कॉस जिसको कहते हैं कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स नाउ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है एफ ऑफ एक्स आप एफ लिख सकते हो प्लस जी जी लिखने पे आप उसको ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करते हैं जी लिखने पे वो उसको जी ऑफ एक्स की तरह ही ट्रीट करता है माइनस फाइव सेवेंटी सिक्स होल डिवाइडेड बाय टू इन टू अंडर रूट ऑफ एफ अंडर रूट ऑफ जी बिकॉज हमें ए और बी लिखना है दोस्तों ए और बी क्या होगा ए होगा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और बी होगा अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स तो यहाँ हम लिखेंगे एफ जी होल्ड टू पावर ऑफ पॉइंट फाइव जी हाँ अब दोस्तों ये जो है इसकी जो ग्राफ है अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो यहां पे आपके पास ग्राफ यहां पे साइड में बन के आएगा ठीक है आपको दिख ही रहा होगा हालांकि हमें इस ग्राफ को जीरो के पहले इग्नोर करना है तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ग्राफ का थोड़ा सा स्लोप बढ़ रहा है पहले और बाद में जाके ये स्लोप घटेगा हालांकि फिगर से इतना आसानी से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये इस, ये इंक्रीमेंट बहुत ही माइनर इंक्रीमेंट है सो so दोस्तों जियो जीव जीवरा में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है कॉल्ड मैक्स फंक्शन मैक्स फंक्शन हमें यह पता करने में मदद करता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अकर कर रही है क्या कोऑर्डिनेट है उसके मैक्सिमम पॉइंट का तो यहां पे हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो यहां पर मैं जीरो फीट कर देता हूं तो नाइनटी फीट जब आप करोगे यहां पर आप एंटर तो आप देख पाओगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है हमारा तो दोस्तों ये हमारा जो आता है, वो आता है सेवन पॉइंट एट वन फाइव दोस्तों कहने का मतलब है कि जो मैक्स वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दैट अकर्स व्हेन एक्स वैल्यू इज सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फीट तो बेस से हमें सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फीट ऊपर जाना है और जो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी पॉइंट एट वन फाइव रेडियन जी हाँ दोस्तों पॉइंट एट वन फाइव रेडियन कितना होता है आइए ए जियोजीब्रा जीव से ही पूछते हैं दिस इंटू वन एट्टी डिवाइडेड बाई पाई दोस्तों ये लगभग लगभग 46.7 डिग्री के आसपास पहुंचता है दोस्तों तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब हम प्ले कर रहे थे ग्राफ के साथ जब मैं पोजीशन पी द सिटिंग पोजीशन पी को चेंज कर रहा था तो 46.7 सिक्स पॉइंट डिग्री के आसपास हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा मिल रही थी उसके बाद डिमिनिश कर रहा था उसके पहले भी एंगल डिपनिश कर रहा था तो दोस्तों यहां पे जो हमारा सिटिंग पोजीशन होगा वो 7.36 होगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये ये कहता है कि तो आपके x की वैल्यू होनी चाहिए 7.36 पॉइंट थ्री सिक्स फीट सो इफ यू अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज ऑफ द सिनेमा थिएटर इज अप्रोक्सीमेटली थ्री फीट तो आपको बैठना चाहिए समवेयर बिटवीन द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो जो कि मैंने यहां पे थर्ड रो चूज किया था और वो थीटा की वैल्यू जो हमें मैक्सिमम मिलने वाली है लगभग लगभग 46.7 डिग्री के मिलेगी दैट इज दी मैक्सिमम व्यूविंग एंगल तो दोस्तों जो मैंने कैलकुलेशन किया था अपने दिमाग में इन सारे चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए किया था और बेसिकली मैंने मैथ्स की मदद ली थी मैंने डेरेवेटिव की मदद ली थी इस मैक्सिमम व्यूविंग एंगल पोजिशन को फाइंड करने के लिए होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में भी पता चला होगा Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. Stay safe. That's huge. That is a piggy. It's out of here.